आईपीओ को अलॉटमेंट कैसे चेक करें दोस्तों, मैं आपको सारी वेबसाइट बताऊंगा हम लोग आईपीओ अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ दोस्तों, वो चेक कैसे करें दोस्तों। देखो हमें क्रोम पेज आ जाना है दोस्तों, लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर क्लिक करना है दोस्तों। देखो फर्स्ट वेबसाइट हमें लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद देखो हमें मिल जाएगा पब्लिक इशू, उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों हम लोग। ये देखो सिलेक्ट योर कंपनी नेम, तुम्हारा जो भी कंपनी में का नाम है वो उस पर करना है क्लिक। जो भी आईपीओ हम लोग ने अप्लाई किया उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमें पैन कार्ड नंबर या तो एप्लीकेशन नंबर, डीपी आईडी या क्लाइंट आईडी हमें वो इंटर करना है इधर। उसके बाद सबमिट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें आईपीओ अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ उसका स्टेटस मालूम गिर जाएगा दोस्तों। सेकेंड वेबसाइट है हमारा, मैं सारी वेबसाइट बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखो के फिनटेक आईपीओ स्टेटस में हम लोग क्लिक कर देंगे दोस्तों। देखो फर्स्ट वेबसाइट हमें ये आ गया ना, उस पर क्लिक करेंगे कि फिनटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये देखो हमें इधर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद देखो हमें इधर क्या करना है, फर्स्ट देखो सिलेक्ट योर कंपनी नेम। ये देखो दीपक बिल्डर एंड इंजीनियरिंग इंडियन लिमिटेड, इसका आईपीओ आया था दोस्तों, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। देखो जो भी रिसेंट आईपीओ हमें मालूम गिर जाएगा, जो भी है हुंडई का है दोस्तों, हमें क्लिक करना है। ये देखो क्लिक, उसके बाद देखो हमें एप्लीकेशन नंबर या तो डीमेट अकाउंट नंबर या पैन कार्ड नंबर इधर इंटर करना है। उसके बाद इधर कैप्चा फिल करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा, लास्ट में सबमिट करेंगे तो आ जाएगा हमारा स्टेटस अलर्ट हुआ है कि नहीं हुआ दोस्तों। और एक वेबसाइट है दोस्तों, वो भी देख लो। ये देखो ये देखो ये देखो बी एस सी इंडिया लिमिटेड है, उस पर भी आप चेक कर सकती हो। ये देखो ये देखो स्टेटस ऑफ इश्यू ऑफ एप्लीकेशन, तो इधर आएंगे हम लोग चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट हमें क्या इशू टाइप इधर इक्विटी करना है दोस्तों, इसको मैं नॉर्मल नॉर्मल ये देखो इस पर इधर कर लेता हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो इशू नेम, तो कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है। देखियो ये देखो वारी इंजीनियरिंग लिमिटेड आ गया है दोस्तों, तो हम लोग वारी पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसके बाद देखो एप्लीकेशन नंबर रहेगा, आप ये इधर फिल कर देना। उसके बाद देखो आई एम नॉट रोबोट और सर्च कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका अलॉट हुआ है कि नहीं होता, हमें स्टेटस मालूम कर जाएगा। या तो कर एप्लीकेशन नंबर नहीं डाल सकते तो आप अपना पैन कार्ड से भी चेक कर सकते हो, दोनों में से कोई एक डालना, या तो एप्लीकेशन नंबर या तो पैन कार्ड। और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक हमें टिक करना है दोस्तों, और उसके बाद सर्च पे कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि आई पी ओ अलॉट हुआ है कि नहीं दोस्तों। सेकेंड वेबसाइट है दोस्तों, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी वेबसाइट मिल जाएंगी दोस्तों। ये देखो बिग शेयर सर्विस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों, इस पर भी हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों। ये देखो हम इधर करेंगे सर्वर वन पर। ये देखो कंपनी नेम सिलेक्ट, ये देखो कंपनी नेम सिलेक्ट करना है दोस्तों, तो हमारा जो भी कंपनी है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखो एप्लीकेशन नंबर, सीएफसी नंबर या तो बेनिफिट नंबर या तो पैन कार्ड, और उसके बाद ये कैप्चा आप फिल करोगे, सर्च पे करोगे तो आपको अलॉट हुआ रहेगा, तो आपको दिख जाएगा आपका नाम दिखेगा, आपको कितने शेयर अलॉट हुए कंपनी का नाम पूरा आ जाएगा दोस्तों, और नहीं आएगा तो नॉट अलॉटेड आपको लिखा हुआ आ जाएगा दोस्तों। ये देखो सारी वेबसाइट मैंने एक ही वीडियो के अंदर बता दिए, तो आप कोई भी आईपीओ को इन सारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।